तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज भास्कर, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल भास्कर पांडे व्लॉग्स में, और होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज है 2nd of January 2022 और कल इस साल की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को हैप्पी ईयर 2022 और होप करता हूँ ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की लेकर आए। और ये जो वायरस वगैरह का सीन है, ये भी होप करते हैं कि इस साल दुनिया से ख़त्म हो जाए और बस सब लोग पहले की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। तो गाइस, फिलहाल अपने तो इस साल की शुरुआत कुछ खास नहीं, कल अपनी हो गई थी थोड़ी सी तबीयत खराब, कल नहीं 31 की नाइट से ही थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, मीन्स फीवर वगैरह आ गया था, तो कल भी अपना पूरा दिन ऐसी वेस्ट गया। तो ये व्लॉग मुझे शुरू करना था वैसे कल 1st of January को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कॉल करे सो आज कर। तो आज हमने इस व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो गाइस, वैसे मैं मतलब न्यू ईयर वगैरह कोई पार्टी वगैरह ऐसा करके कुछ सेलिब्रेट नहीं करता, कभी स्टूडेंट्स को पार्टी दे दिया करते थे एकेडमी में, बट ये वायरस के बाद से वो चीज़ भी अब नहीं है। तो मैं जो सेलिब्रेट करता हूँ वो मैं थोड़ा सा अपने तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ, मोस्टली मतलब जैसा मुझे पसंद है, जैसा मेरा मन करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि न्यू ईयर पर एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे। और तो कल तो अपनी तबीयत ठीक नहीं थी तो कल वो नहीं कर पाए, तो आज कोशिश करेंगे हम अपने तरीके से इस साल की शुरुआत को सेलिब्रेट करने की। तो गाइज, अपना आज का प्लान क्या है ना कि हम जाएंगे बाहर, निकलेंगे और यहाँ पर ये आपको कुछ दिख रहे होंगे पैकेट्स में, तो इसमें है गर्म कपड़े, मीन्स हुडीज़ हैं, स्वेटर है, जैकेट है और स्वेटशर्ट वगैरह है। तो ऐसे 7-8 थैले हमारे पे टोटल हैं इसमें, मतलब पुराने भी हैं, नए भी हैं, सिंगल टाइम यूज़ भी है। तो इसको जिनको ज़रूरत होगी बाहर उनको दे देंगे, और साथ में कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट या कुछ फ्रूटी वगैरह वो भी रख लेंगे बैग में, तो जो भी मिलेगा तो वो भी देते हुए चलेंगे। और ऐसा करने से मतलब एक दिल को तसल्ली सी भी मिलती है, थोड़ा सा सुकून भी मिलता है मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है मतलब करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर किसी को, जो भी है जिसको भी अच्छा लगता है वो करे, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ। तो सोचा कि आज थोड़ा सा व्लॉग में भी दिखा दूँगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, यहाँ पर अपने दोस्त होंगे कुछ, उड़ गया तो वो उड़ गए हमारे दोस्त, और यहाँ पर बनाए घोंसला, और दो नए दोस्त हमारे और आने वाले नए साल पे, तो यहाँ पर अंडे दे रखे हैं, और बिल्कुल ये घोंसला बनाया है मेरे वॉशरूम के आगे, तो मेरा वॉशरूम जाना दुबर हो गया है यहाँ पर, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना शूज़ का डब्बा लगा दिया ताकि ये लोग आराम से बैठ सके, और इसको भी मैं सोच रहा हूँ आज कवर कर दूँगा ताकि हवा वगैरह ना आए, तो बढ़िया है। फिर नए मेहमान जब आएंगे तो उनसे मिलवा देंगे आपको। तो बस फिर अब थोड़ा सा लंच वंच करेंगे, ज़्यादा खाने की इच्छा तो नहीं है, तो फिर उसके बाद सीधा आपको मिलते हैं बाइक पे। आ गई, हाँ ले गुड़िया, गुलाब तू रख ले, गुलाब नीचे खा ले, वेलकम। और भी है क्या बच्चे? मेरा भाई मेरे पीछे उधर गया। किधर गया? उधर गया, चलो मेरी तरफ से। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अरे नहीं मेरी तरफ से तेरे, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से तेरे। वहाँ चला गया था तू, तेरे को बुला रहा है वो, बता तू आ ही नहीं रहा। ले बिस्किट खाएगा है, क्या नाम है तेरा? अरमान। अरे वाह, वेलकम, बाय। तो बाबा जी इधर रोड क्रॉस कर गए थे, तो अभी मैंने रिजवाना को भेजा है उनको देने के लिए। तो
तो गाइस वापस पहुंच चुके हैं अपनी एकेडमी और मतलब काफ़ी अच्छा सा लगा दिल को। और जैसा कि मैंने बोला था कि अपने इस नए साल की शुरुआत ठीक से नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, तो अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हुई है। और यहाँ पर अपनी कॉफ़ी भी आ चुकी है, ब्लैक कॉफ़ी, इसे भी साथ साथ पियेंगे। लेकिन गाइस मतलब बात करूँ मैं, मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब बिस्तरा उठा के ले गए वो बाबा जी, जो मिले थे वो बता रहे थे उनका बिस्तरा या कपड़े जो भी थे तो वो भी चोरी कर लेते हैं लोग, उठा लेते हैं। जिस पार्क में वो सोते होंगे वहाँ के गार्ड या माली वगैरह ने उठा लिए होंगे। और उसके बाद वो जो लड़की मिली, मतलब वो रोज़ देने लगी हमें, मतलब कि छोटी बहन समझ के रख लो, मतलब अच्छा सा लगता है और थोड़ा सा इमोशनल सा भी हो जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला था जैसा कि लाइफ सबके लिए सेम नहीं होती, लेकिन अपनी तरफ से जो भी हो सकता है कर दिया करो। हालांकि मुझे पता है कई लोग अच्छा भी बोलेंगे, कई लोग बुरा भी बोलेंगे कि ऐसे शो करके नहीं देना चाहिए, या जो हम भी बिलीव करते हैं कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। बट कभी कभी दिखाने का पर्पज़ ये होता है, देखो करते हम लोग रेगुलरली ही हैं जब भी हमें मौका मिलता है, बट कभी कभी दिखाते इसलिए हैं क्योंकि इससे क्या होता है ना, हो सकता है कि आप में से कोई जो अभी तक ना करता हो या ना ऐसा कभी किया हो तो उसकी करने की इच्छा जाग जाए, मतलब इंस्पायर हो और ऐसा करे। तो क्योंकि आपको किसी एक बंदे को इंस्पायर करने के लिए पहले हजारों तक पहुंचना पड़ता है, तो बस मैं जो है इसी तरीके से कभी कभी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करता रहता हूं, अपने बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो वो आज मैंने व्लॉग में दिखा दिया। बाकी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अब देखते हैं आगे का साल कैसा जाता है। इस व्लॉग को यहीं अच्छे से पॉजिटिव वाइब के साथ, प्यारी सी स्माइल्स के साथ और छोटी छोटी खुशियों के साथ एंड करेंगे। तो बस होप करेंगे सबका नया साल अच्छे से बीते इन्हीं खुशियों के साथ। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द।